बिहार में राजनीति भी गरमाई, बिहार में विधि व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़ा होना शुरू हुआ। शुरुआत करते हैं कि बिहार की राजनीति पर आज की तारीख में, आज के परिवेश में जो बीजेपी का चार राज्यों का जो चुनाव विधानसभा जीती है, इसका असर पड़ता हुआ विधानसभा में। कटु सत्य है कि निश्चित तौर पर किसी दल की जीत होगी तो दल वाला खुशी का माहौल में रहेगा, बीजेपी थोड़ा सा कद बढ़ा हुआ खुशहाली के साथ साथ। लेकिन अचानक बीजेपी ने एक सवाल खड़ा किया मुकेश सहनी पर कि आप इनको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा नेता के खिलाफ बोलेगा, ऐसे ऐसे नेता मुकेश सहनी को निश्चित तौर पर बिल्कुल एनडीए के गुट से हटाया जाए। यानी पूरा विधानसभा में हर जगह गलियारी में चर्चा कि क्या मुकेश सहनी को हटा दिया जाएगा तो क्या इसका असर पड़ेगा। दूसरी बड़ी घटना की अब सवाल ये खड़ा हो गया कि कल आज विधानसभा में 12:30 बजे के बाद जो आज जुम्मा है यानी शुक्रवार के दिन मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं हर शुक्रवार को, इस पर जितने जो विरोधी दल नेता सभी ने कहा कि नहीं 12:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करके इसको नमाज पढ़ने के लिए छूट दी जाए। लेकिन इसमें बीजेपी ने कड़ा आपत्ति कहा कि नहीं, ये व्यवस्था से नहीं होगा, ये इसको यानी कि इस पर भी अब सवाल खड़ा हो गया। दो तीसरी बात है कि अब रही बात विधि व्यवस्था के बाद, आज की अभी तक की तीन घटनाएं प्रमुख बिहार में घटनी है। पहली घटना की गोपालगंज से सिवान की तरफ आते हुए जीबी नगर थाना क्षेत्र में स्वर्ण बेसाई को मोटरसाइकिल से तीन सवारों ने उनके बोलेरो गाड़ी को रोक करके लूटपाट की। कहीं स्वर्ण बेसाई के साथ भी घटना होने के बाद बताई जा रही मोतिहारी में। इसके साथ साथ एक अधिवक्ता जो हाजीपुर में कोई गणेश शुक्ला के उनके लड़के को उनको गोली मार दी गई। यानी तीन बड़ी घटना दिन दहाड़े घटना, एक पहली घटना जीवी नगर सिवान में, दूसरी घटना मोतिहारी में, तीसरी घटना अभी ये बैठा हाजीपुर में, ऐसा दर्शाता है कि अनियंत्रण हो रहा है बिहार। हम चाहेंगे कि सुशासन सरकार इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान दे, अन्यथा स्थिति अनियंत्रण होगी और इसका प्रभाव प्रतिकूल असर पड़ेगा। जय हिंद।